छोटी माई, छोटी माई, गर्व जी ये बड़ी है आपसे, कुछ मत कहिए, रहने दीजिए। और हमारे बाबूजी कहते हैं कि किसी रिश्ते के सामने झुकने से उस रिश्ते का कद और भी ऊंचा हो जाता है। हमें मालकिन के पैर छूने में और उनसे माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। छोटी माई, हमारा वो गौरी, हम भी तुम्हें वही दाग, वही दर्द, वही निशान देंगे जो तुमने हमें दिया है। क्या गति गंगा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या हरकत थी? अभी गौरी चल जाती। आप चुप रहिए, हम दोनों के बीच में आने की जरूरत मत करना दीदी। और ये मत भूलिए कि ये हमारे पति के साथ साथ आपके देवर भी हैं। अगर आप रिश्तों का मान नहीं रख सकती तो उनका अपमान भी मत कीजिए। ए लड़की, घर वालों ने संस्कार नहीं दिए का तुम्हें? सगी बहनिया को जलाने चली हो? सगी बहन के नाम पर कलंक है ये, कलंक। और सिर्फ बहन ही नहीं, ये तो औरत की मर्यादा के नाम पर कलंक है, प्रचलन है ये। अपनी जुबान संभालो गंगा। अभी के अभी माफी मांगो गौरी से। हम इस गिरी हुई लड़की से माफी नहीं मांगेंगे। और आपको पता है जो औरत एक साथ दो दो मर्दों को फंसाए उसे क्या कहते हैं? उसे बाजारू कहते हैं, बाजारू। Thank you.
करेगी। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, उनके सामने बहुत छोटी सी सजा है। चलो अभी के अभी इस घर से बाहर चलो। चलो दीदी। बस कौरी आज नहीं। हम जानते हैं तुम्हारी बहन है, पर इसने आज बहनों वाली नहीं बेकैरतों वाली हरकत की है, जिसकी हमारे उसूलों की किताब में कोई माफी नहीं है। चलो चलो बाहर। दीदी गौरी, माना कि रिश्तों को बचाने के लिए उनके सामने झुकना पड़ता है, लेकिन बात जब खुद के आत्मसम्मान की आए ना, तो रिश्तों के सामने खड़े होने में कोई हर्ज नहीं है। जब तुम्हारी बड़ी बहन को तुम्हारी कदर नहीं है, तो तुम क्यों उनकी इतनी फिक्र करती हो? पर गर्व जी, दीदी कहां जाएंगी घर छोड़कर? तुम्हारी बहन के पास ना साजिशों से भरा शातिर दिमाग है, उस शातिर दिमाग से वो कहीं भी अपने लिए ठिकाना ढूंढी लेगी। लेकिन तुम एक बात याद रखो, जब तक तुम खुद अपने स्वाभिमान के लिए खड़ी नहीं होगी ना, तब तक दूसरों से सम्मान की उम्मीद लगाना बेकार है। तुम्हारा फोन सही हो चुका है, अब सच सबके सामने आ जाएगा। चलो। आपका फोन सही हो गया है और हाँ, इसका डाटा रिकवर हो गया है। थैंक्स। सुन लीजिए सब लोग, मोबाइल का डाटा जो है वो रिकवर हो गया है। गर्व जी, हमने नचिकेत के खिलाफ इसी में वीडियो बनाई थी, आप वीडियो उसमें चेक करिए ना। वन सेकंड। अगर वीडियो में गौरी की बात सच निकल आई तो इसमें तो नचिकेत की कोई वीडियो नहीं है। कैसे हो सकता है, हमने इसी में बनाई थी वीडियो। भैया इसमें एक वीडियो थी। मैडम आपका डाटा रिकवर हो चुका है, जो है सब इसी में है। पर नचिकेत की वीडियो नजर क्यों नहीं आ रही? नमस्ते आंटी। अरे नचिकेत आओ आओ। छोटी माई, ये नचिकेत है, ये हमारी छोटी माई है। हमने इसे अनिका के लिए पसंद किया है,
अच्छा हुआ नचिकेत तुम आ गए, फोन का डेटा रिकवर हो गया है। तो भाभी के मोबाइल में कोई वीडियो मिला? कैसे मिलेगा, कुछ होगा तब मिलेगा ना। हम इस लड़की के तमाशों से परेशान आ चुके हैं। गर्व जी, हमें पूरा भरोसा है कि नचिकेत ने ही वीडियो गायब करवाई है। गायब तो हम तुमको कर देंगे इस घर से, एक और शब्द मत निकाल अपने मुंह से। नचिकेत, शादी की तैयारियां करो। मालकिन, आप समझती क्यों नहीं है, ये शादी नहीं बर्बादी है। अनिका की जिंदगी के साथ आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही हैं। खिलवाड़ तो तुम कर रही हो हमारे परिवार के साथ। जो लड़की अपने बहन की खुशियों के बारे में नहीं सोचती है, वो अनिका की खुशियों के बारे में सोचेगी? अब तो शादी होकर रहेगी। कल हल्दी होगी और परसों शादी। नचिकेत, तो महेंद्र जी से कहो शादी की तैयारियां करें। छोटी माई, कमरे में चले, कुछ बातें करनी। चल। हम दीदी को देखकर आते हैं। दीदी, चिंता मत करो भाभी, जब जब आप लड़खड़ाओगी, आपको संभालने के लिए आपकी कमर पे नचिकेत का हाथ जरूर आए। कितनी मेहनत से आपने वो सबूत इकट्ठा किया था और कितनी आसानी से मैंने उन्हें मिट्टी में बहा दिया। आपको रोना आ रहा हो तो मेरे कंधे पे सर रख कर रो सकती हो भाभी। आओ गले लग जाओ। वरदान हमारे करीब आए तो। वो आज नहीं तो कल तो मुझे आना ही पड़ेगा। लेकिन पहले आपकी प्यारी ननद शादी करके उसके करीब आऊंगा, उसके बाद आपके करीब आऊंगा। बाकी अगर मेरा कंधा कम पड़े तो आप मेरे सीनियर से सर रख के दूर रह सकती हैं। गिरे हुए इरादों पर हम पानी फेरेंगे। रही बात अनिका की,
तो वो हमें जान से भी ज्यादा प्यारी। हम इसकी शादी तुमसे तो नहीं होने देंगे। चलिए सर, आपकी खुशी के लिए ये शर्त भी मंजूर है। हम कैसे भी करके अनिका की शादी रुकवानी होगी। शादी के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है। ये जेवर कैसे हैं छोटी माई? अनिका के लिए लिए हैं। सब गजब है। तो बस फिर भैया से कहकर शादी की तैयारियां शुरू करवाते हैं। हाँ दीदी। इतनी जल्दी क्या है मॉम? अनिका की जिंदगी का सवाल है मॉम, तो उसमें जल्दबाजी क्यों करनी? आपकी एक छोटी सी जिद ना उसकी पूरी जिंदगी खराब कर। बस! हम तंग आ चुके हैं तुम्हारे इन ड्रामों से। हम तंग आ चुके हैं। इतने जल्दी तो बच्चे भी नहीं सीखते जितने जल्दी तुम उसकी जबान सीख गए हो। याद है ना, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी मालकिन नहीं। कर, तुम्हारा हाथ उठ जाएगा। तुम जाओ यहां से। बस तुम जाओ यहां से। तुम जाओ यहां से। कर, शकू बिटवा, हम तुम्हें ना बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम अपने घमंड को जिताने की कोशिश में ब्रह्मांड का कौनो भी साजिश रच सकती हो, पर याद रखिएगा, अगर हमें मालूम पड़ा कि अनिका की शादी में तुम्हारी कोई साजिश है तो हमारी दूना ली होगी और तुम्हारा सर। बात सुनने में भले ही बुरी है पर तुम्हारे लिए भली है, याद रखिएगा। दीदी, अनिका की शादी तो होगी ना? कहीं वो गौरी फिर से कुछ न कुछ कर दे। अनिका की शादी होकर रहेगी और वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। तो अब क्या करने वाली हो आप? आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे, पर एक बात का ख्याल रहे, छोटी माई को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, एक चेहरे पे दाग वाली लड़की के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। वैसे भी तुम शादीशुदा हो। नहीं नहीं मंगल जी, हम आपके लिए अपना सब कुछ घर बार सब छोड़ आए हैं मंगल जी। अच्छा, घर बार छोड़ के आई हो, तो जाओ वापस और अपना लो उसी घर बार को, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, दिल्ली, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। Yeah!
भोलेनाथ, अगर हमारी तपस्या में जरा सी भी सच्चाई है, हमारी दीदी को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए। हमें समझ ना आ रहा है कि तुम्हारी सच्चाई का है का तुम वो गौरी हो जो अपनी बहिनिया को जलाना चाहती थी, या फिर वो गौरी जो अपनी बहिनिया की रक्षा के लिए भगवान के सामने दुआओं में हाथ उठाना चाहती हो। आखिर कौन हो तुम? कौन हो तुम? हम सिर्फ सीधी साधी गौरी हैं छोटी माई, जिसे परिवार की परवाह है, पति से प्यार है, जिसमें बड़ों के सम्मान का संस्कार है। तो आपको जो गौरी पसंद आए हमें वो मंजूर है। बहुरिया, अगर तुम इतनी ही परिवार वाली हो तो तुम्हें मेरे सामने कसौटी पे खरा उतरना होगा, और आज से ही तुम्हारी परीक्षा आरंभ होती है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.